वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पवई के वेस्टर्न होटल में, जहां शिवसेना अपना 56वां स्थापना दिवस मना रही है। वहीं संजय राउत ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। अग्निपथ स्कीम को भी लेकर संजय राउत ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने कहा है कि तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाही खानदानी है। संजय राउत ने भाजपा पर हमला करते हुए क्या बोला, आइए जानते हैं। कि सूत्र जो पर्यंत आमच्या कडे तो पर्यंत राज्य स्थिर आणि शांत राहील। प्रयत्न सुरू आहेत ना, अनेक 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 दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत, पण तुम्हाला ते जमणार नाही। या देशामधलं अराजक, मी काही दिवसांपूर्वी एक विधान केलं होतं आणि त्याच्यावरती भारतीय जनता पक्षाने फार कठोर टीका केली। श्रीलंकेमध्ये जेव्हा जनता रस्त्यावर उतरली तेव्हा म्हटलं या देशाची स्थिती सुद्धा श्रीलंकेसारखी व्हायला वेळ लागणार नाही। आणि पहा, एक महिन्यामध्ये या देशातला तरुण वर्ग, या देशातला बेरोजगार, या देशातला सुशिक्षित रस्त्यावरती उतरलेला आहे आणि त्यांना रोखण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये सैन्याला आणावं लागलं आहे। बिहारमध्ये आज सैन्य आलेलं आहे, याला राज्य करणं म्हणत नाही। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।